तो फाइनली आप लोग को मैं बता दूं, मैं सुबह सुबह मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सुबह सुबह है ना भाई, मैं 4 बजे ही निकल गया था, तो 4 बजे अंधेरे में कुछ वीडियो बना नहीं सकता। सच बोलूं तो मुझे वीडियो बनाने का कुछ मूड ही नहीं था, बट मैं आ रहा था ना तो मुझे ये व्यू पॉइंट अच्छा दिखा, इसलिए मैंने वीडियो में जा रहा था सोलापुर, और सोलापुर जाते ही मुझे इस माउंटेन से जाना था, तो देख सकते हो यहाँ से कैसा व्यू पॉइंट दिख रहा है भाई। तो अभी मैंने इतनी खड़ी चढ़ाई की ना भाई, आधा मैंने साइकिल चला कर की, आधा मैं साइकिल से उतर करके मैंने साइड किया, तो भाई देख सकते हो कितनी खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ से ना पूरा मतलब ऐसे जाती है गाड़ी ऊपर तक, और यहाँ से व्यू पॉइंट कुछ ऐसा दिखता है। और इधर देख सकते हो सामने, ये पूरा नीचे है ना पूरा गाय है, यहाँ से देख लो भाई पूरा गाय है, यहाँ से नीचे तक मतलब कुछ भी नहीं है, पूरा ये सूखा सूखा सा ट्री है और कुछ भी नहीं है, पेड़ है सूखा सूखा। अभी हम लोग जाते हैं इसके ऊपर, फिर इधर से देखते हैं कैसा व्यू दिखता है। अभी हम लोग इस टॉप पे जाते हैं, फिर टॉप पे जाने के बाद मैं देखता हूँ वहाँ से कैसा व्यू दिखता है। तो चलो अभी टॉप पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा, वाह। और सामने गाड़ी आ रही ना, बिल्कुल नीचे से मैंने खड़ी चढ़ाई की ऐसे, फिर ऐसे ऐसे आने के बाद फिर ऐसे, अभी यहाँ से और खड़ी चढ़ाई करनी है, वो सामने देख रहे हो वो टॉप पे जाना है मुझे अभी, फिर वहाँ से बिल्कुल ढाल आएगा नीचे जाने के लिए। और अभी यहाँ से व्यू पॉइंट देख लो, कुछ ऐसा व्यू पॉइंट है, और जगह का नाम मालूम नहीं, बट इधर से आगे है ना, आगे जाने के बाद सिन्नर आ जाएगा। और यहाँ से देख लो वो सामने वेंटिलेटर शायद कुछ कहते हैं इसको, मुझे इतना पता नहीं है, बट ये पूरा है ना लाइन से मतलब पूरा माउंट के ऊपर वेंटिलेटर है, और यहाँ से पूरा गाय है नीचे, नीचे देख सकते हो पूरा गाय है। और इसके उस साइड है ना छोटा सा विलेज है, बट अभी क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी 8 बज चुका है, तो इसलिए अभी कुछ दिख नहीं रहा। अभी फिर हम लोग चलते हैं नीचे क्योंकि भाई जल्दी मुझे निकलना भी है यहाँ से, टाइम नहीं है, बट फिर भी मुझे अच्छा व्यू पॉइंट दिखा इसलिए मैंने वीडियो बना लिया, मैंने सोचा भाई मिस नहीं करना चाहिए ऐसा व्यू पॉइंट, तो इसलिए मैंने वीडियो बना लिया। और अभी हम लोग चलते हैं नीचे। ओ भाई अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, और ये सामने देख सकते हो यहाँ मेरी साइकिल खड़ी हुई है, ये पीछे देख सकते हो कैंपिंग टेंट है, और ये बैग के अंदर और मेरे सामान है, और स्लीपिंग बैग मैट वगैरह सब बैग के अंदर, कपड़े वगैरह मैंने डाल दिया, और साइकिल का पंचर किट सब मैंने इसके अंदर ही डाल दिया, और ये कैंपिंग टेंट है, और ये देख रहे हो ये स्लीपिंग बैग है मेरा, और ये सामने देख सकते हो ये नासिक साइकिलिस्ट का बोर्ड है। तो मैंने अभी हाल ही में मैंने नासिक साइकिलिस्ट ज्वाइन किया है कि भाई आप लोग भी आओ ऐसी जगह पे घूमने, क्योंकि इतना अच्छा व्यू पॉइंट है। और साइकिल से मैंने फर्स्ट टाइम मैं माउंट के ऊपर आया, और सच में भाई जान निकल गई थी, बट फर्स्ट टाइम है ना, सेकेंड टाइम में ज़रूर आदत सी पड़ जाएगी। चलो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं आगे की ओर। माउंट तो पार हो गया, बहुत ही अच्छा हाईवे आया, मतलब इतना अच्छा हाईवे आया है ना अभी, और फाइनली मैं सिन्नर से निकल चुका हूँ। इतना मज़ा आ रहा है ना इस हाईवे पे साइकिलिंग करने में, बस थोड़ा थोड़ा ओवर ब्रिज आता है, बट ओवर ब्रिज के बाद मतलब अच्छा ही हाईवे आता है, चढ़ाने में भी कोई मुश्किल नहीं, उतारने में भी कोई मुश्किल नहीं। और अभी शायद 60 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, और फाइनली आज मैं प्लान कर रहा हूँ 150 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए, फिर 150 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नाइट स्टे करूँगा, देखता हूँ कहाँ मुझे नाइट स्टे मिलेगा। हैंडल मार रहा हूँ ना 21 के स्पीड में, फिर भी यार बिल्कुल स्मूथली चल रही है साइकिल, गर्मी भी पड़ रही है, मेरा स्किन देख रहे हो मतलब थोड़ा थोड़ा पसीना भी निकल रहा है, बट कोई नहीं, देखते हैं अभी कितना टाइम में हम लोग पहुँचेंगे। फिर सोलापुर के बाद लद्दाख की जर्नी स्टार्ट करूँगा, लद्दाख की जर्नी में अभी टाइम है। टाइम हो रहा है 2:30, 120 किलोमीटर कवर कर लिया, और फाइनली देख सकते हो अभी मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा बैठ करके,
क्योंकि आज रेगुलर मैंने साइकिल चला ली। यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये पुराना टूटा फूटा घर है, शायद आंगनवाड़ी पता नहीं क्या है, और ये सब टूटा फूटा है, मतलब सब मकान लॉक है, और यहाँ पे थोड़ा ट्री है इसकी वजह से थोड़ा ठंडा है, और ऊपर पत्रा भी लगा हुआ है इसकी वजह से भी थोड़ा ठंडा है, इसलिए मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ। और देख सकते हो ये थोड़ा ख़राब रोड है, उसके उस साइड गाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा आ रही है, और ये सोलापुर डायरेक्ट ये हाईवे जाती है अहमदनगर हो करके, और फाइनली यहाँ पे मैं रेस्ट कर रहा हूँ। देख सकते हो कैसा मेरा हेयर का कंडीशन हो गया, वो पूरा है ना, पूरा हर जगह पे धूल धूल हो गया है, पानी का बोतल भी थोड़ा गर्म हो गया है। यहाँ से अभी निकलते हैं। बट आज काफ़ी थक चुका, तो आप देख सकते हो सामने पेट्रोल पंप। इस जगह पे मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया नाइट स्टे के लिए, तो फाइनली इसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, अपना टेंट लगा लिया। देख सकते हो मैंने कहाँ लगाया, इसके अंदर लगा लिया अपना टेंट। तो आज नाइट, फर्स्ट नाइट मैं यहाँ सोने वाला हूँ, और ये मेरी साइकिल है, साइकिल भी अंदर कर लेंगे, यहाँ पे बाजू में कर लेंगे। और फाइनली देख सकते हो ये पेट्रोल पंप है, और ऊपर है ना अभी बादल पूरा लगा हुआ है, पूरा देख सकते हो सामने, वाह, मतलब अभी इतना औसम लग रहा है ना, बट गर्मी है अभी भी। और मैंने सोचा और थोड़ा राइड कर लूँ, क्योंकि अभी शाम के 5 ही बजे हुए, और लेकिन फिर काफ़ी थक गया, क्योंकि आज मैंने रेगुलर राइड कर लिया। यहाँ से करीब अहमदनगर अभी 30 किलोमीटर और बच गया, अभी मैं आ गया टेंट के अंदर, क्योंकि भाई बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी था, इसलिए मैं अभी टेंट के अंदर आ गया डायरेक्ट। और टेंट के अंदर भाई अभी सोने का मन कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज थक चुका हूँ, तो अभी हम लोग सो जाएंगे, और फिर कल आपको कल का व्यू अलग दिखाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।